हे यू ऑल, इट्स मी अनपॉपुलर दीदी। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक मीशो कोरियन टॉप्स हॉल वीडियो। मैंने इस वीडियो में चूज किए हैं कोरियन एस्थेटिक्स वाले टॉप जो कि काफ़ी क्यूट और एलिगेंट होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा मिनिमल प्राइस में। तो मैंने डायरेक्टली कोरियन टॉप सर्च किया ऑन मीशो ऐप एंड नाउ दिस इज व्हाट आई गॉट। तो मैं आपको एक एक करके खोल के दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा। लेट्स बिगिन। ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा, बहुत ही कोरियन एस्थेटिक में मुझे लगा। पीछे से पूरा इलास्टिक है, एग्जैक्ट सेम मटेरियल नहीं लग रहा है जो मैंने पिक्चर में देखा था, बट अगेन पहनने के बाद आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगने वाला है। hey, pretty, pretty, pretty baby. मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसका पफ स्लीव इज लाइक ऑन पॉइंट, हाथ भी मतलब अच्छे से कवर कर रहा है, there won't be any tarnish, एंड इसकी इलास्टिक भी बिल्कुल टाइट नहीं है। यहाँ पे आपको एक बांधने वाला सामग्री मिलेगा। I mean, I'm really happy when I find something which really fits me and looks good on me. अभी भाई इसका कटिंग एंड ऑल इज सो गुड, इट कट्स वेरी नाइसली हियर। एंड इसका बैक कुछ इस तरीके का है एंड इलास्टिक वर्क है, तो इट जस्ट सिंचेस योर वेस्ट, इज क्वाइट आई कैची। ऑनेस्टली आई गिव इट 10 on 10. वेरी प्रिटी कोरियन टॉप दिस इज। क्यूट सा व्हाइट कलर का टॉप जिसमें रेड फ्लावर्स बने हैं, मुझे देखते ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। मतलब इसकी कपड़े की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है। लगा जैसा मैंने देखा था मुझे वैसा ही दिख रहा है ये। सो लेट्स वेयर दिस एंड सी हाउ इट फिट्स ऑन मी। आई कैन नॉट बिलीव दिस कि ये मीशो का टॉप। दिस इज सो गुड। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली लाइक द नेकलाइन। हाथ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, पफ स्लीव काफ़ी बढ़िया है, बट थोड़ा सा इलास्टिक मुझे टाइट लगा, बट अदर दैन दैट आई लव द डिज़ाइन। इसको आप यहाँ से टाई कर सकते हो एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुली आपके ब्रेस्ट एरिया से कट करेगा। बैक इसका कुछ इस तरीके का है। मीशो में मुझे हमेशा डर लगता है कि सस्ता सामान मतलब खराब ना निकले, क्वालिटी बेकार ना हो, बट लुकिंग एट दिस टॉप, ओ माई गॉड, दिस इज सो नाइस। आई डोंट नो व्हाई मुझे आजकल फ्लावरी प्रिंट्स बहुत अच्छे लगने लगे हैं एंड आई रियली लाइक दिस वन। एंड जैसा इसका मैंने प्रिंट देखा था ऑनलाइन ये बिल्कुल वैसा ही है। देन दिस टॉप इज अ वेरी डिसेंट गुड क्वालिटी टॉप। द नेक लाइन इज गुड, आई एम क्वाइट लाइकिंग द पफ स्लीव्स। मतलब इसमें इलास्टिक नहीं है तो फिर उसमें वो वाला सीन नहीं है। मुझे नॉर्मली ऐसे बड़े बड़े फ्लावर्स इतने अच्छे नहीं लगते हैं, बट दिस हैज़ अ डिफरेंट वाइब टू इट, सो आई गॉट इट। एंड आप लोग भी मुझे बताओ कैसा लगा। नॉर्मली दिस इज लाइक दिस बिग, but I like to, yeah, just like that, all gone. And the back looks like this. इतना thick material भी नहीं है कि आप समझ में ना पहन पाओ। The next top that I got is this one. ये एक पिंक कलर का क्यूट सा पफ स्लीव टॉप है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था ऑनलाइन। मुझे एग्जैक्ट जैसा पिक्चर में था मुझे एग्जैक्ट तो नहीं लग रहा है कि एग्जैक्ट सेम चीज। पैटर्न में भी काफ़ी फ़र्क है, आई थिंक कपड़े के मटेरियल में भी काफ़ी फ़र्क है। सो आई एम नॉट क्वाइट श्योर, लेट्स वेयर इट एंड सी कि मुझ पर कैसा लगता है, देन आई विल अप्रूव इट। सो दिस इज द टॉप। आई मीन आई वोंट से कि ये बहुत ज़्यादा बेकार है, लेकिन ये वैसा टॉप नहीं है जैसा मैंने पिक्चर में देखा था। पिक्चर में थोड़ा सा और अच्छा दिख रहा था। नेक ना इट वाज सपोज्ड टू बी हियर, बट ये यहाँ जा रहा है, तो फिर वो मुझे लग रहा है कि नहीं। और ऑल्सो ये थोड़ा सा लूज है यहाँ से, बट क्वालिटी देखा जाए तो हाँ, छूने में एंड वेयरिंग में फील्स आर नाइस, कम्फर्टेबल है। कोई इलास्टिक मुझे कहीं से भी नहीं चुभ रहा है। एंड ऑल्सो ये यहाँ से भी है, आगे से भी है एंड पीछे से इसका कट स्ट्रेट है। इसका बैक कुछ इस तरीके का है। You guys tell me whether you liked it or not. मतलब मेरे लिए तो it's 5 on 10. जो अगला टॉप है काफ़ी क्यूट ऑफ शोल्डर सॉर्ट ऑफ टॉप है जो कि काफ़ी प्यारा है एंड यहाँ पे टाइंग अप वाला मटेरियल भी है, तो ये काफ़ी मुझे यूनिक सा टॉप लगा। दिस इज माई मुस्टैश। मटेरियल इज नाइस, रिप्ड वाले तो मेनली बहुत अच्छे होते हैं इनके। लेट्स वेयर इट एंड सी। सो बेसिकली इस टॉप में यू गेट दिस स्ट्रिंग्स एंड यू कैन टाई इट हियर। मुझे ये बूंदने वाली चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। आई वुड से ये बहुत क्यूट है एंड इसका बैग कुछ इस तरीके का है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, रिब मटेरियल में है, तो मुझे तो ये अच्छा लगा। मतलब हाँ, आई लाइक जो मैंने देखा वही मुझे मिला है, सो आई गिव इट अ 10 on 10. सो द नेक्स्ट टॉप दैट आई गॉट इज दिस वन। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे इस कलर का टॉप मिलेगा जो मैं देख रही थी। इसका जो मटेरियल है वो रिप्ड मटेरियल है, यहाँ पे क्यूट सा एक टेडी भी बना हुआ है। मटेरियल इज वेरी नाइस एंड लेट्स सी फिटिंग कैसी है। सो दिस इज द नेक्स्ट टॉप एंड भाई मुझे तो बहुत ज्यादा प्यारा लगा ये। यहाँ पे एक छोटा सा टेडी बेयर भी बना हुआ है, इसका हाथ थोड़ा ड्रूपी है बट आई थिंक दिस इज देयर स्टाइल। एंड वैसे तो आप इसको खोल के भी पहन सकते हो लाइक दिस, बट आई लाइक टू इंच इट अ बिट एंड इस कलर में मिल गया इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इसी मीशो में हमें कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने बेज कलर सोचे कुछ मंगाया होगा तो वो येलो आ गया, तो मैं बस दुआ मांग रही थी कि वो येलो कलर में ना आ जाए। बट दिस इज़ वेरी नाइस, कॉलर एंड ऑल, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज नाइस। इन दिस प्राइस आई थिंक इट इज़ अ गुड वन। तो अगला मैंने एक पिंक कलर का शर्ट लिया है जो कि यार काफ़ी ट्रेंड में है। ये जो पॉप ऑफ कलर है ना ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल, एंड ये पिंक कलर का शर्ट काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ गया था तो आई गॉट इट एंड आई थिंक इट्स वेरी प्रिटी। कलर तो काफ़ी अच्छा है, मटेरियल भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा ट्रांसपेरेंट है ये, बट लेट्स वेयर इट एंड सी कैसा लगता है। So this is one of those colors which looks really good on me and मुझे तो यार काफ़ी अच्छा लगा ये, बट यही है कि मुझे ना ये दाग सता रहा है। आई विल डेफिनेटली एक्सचेंज इट बिकॉज मुझे बहुत प्यारा लगा यार ये, बहुत बहुत अच्छा और बहुत ब्रीदेबल फैब्रिक है इसका एंड इट्स वेरी क्यूट। आप इसको वाइट टैंक टॉप एंड ब्लैक टैंक टॉप के साथ पेयर अप कर सकते हो। इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है कि ये आराम से पेयर अप हो जाए काफ़ी सारी चीज़ों के साथ। हाथ की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है एंड आप देख सकते हो इसका मटेरियल जो है ना यार ये बहुत ब्रीदेबल फैब्रिक एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इट इज़ नॉट दैट टिपिकल प्लेन फैब्रिक नहीं है, थोड़ा बहुत टेक्सचर्ड है ये जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। सो आई गिव इट अ 8 on 10। आई विल डेफिनेटली एक्सचेंज इट, देन इट विल बिकम अ 10 on 10। आप इसको फोल्ड करके भी पहन सकते हो या आप नॉर्मल इसको आप फुल स्लीव शर्ट की तरह भी पहन सकते हो। मैंने सेम वेरिएंट में ना एक ब्लैक शर्ट भी लिया है जो कि काफ़ी सुंदर लगा मुझे एंड मतलब डेली वेयर्स के लिए दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस एंड एलिगेंट। एंड अगेन ये एक ब्लैक शर्ट है जो कि मुझे काफ़ी सस्ते में मिल गया, सो आई हैड टू गेट दिस वन। भाई अगेन सेम, मटेरियल इज ऑल्सो वेरी नाइस, द क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी नाइस एंड काफ़ी एक टेक्सचर्ड फैब्रिक है इसका, प्लेन फैब्रिक नहीं है। बट हाँ यार कहीं ना इसके धागे निकले हुए हैं, दैट तो आई कैन सी कि है भाई, फिनिशिंग नहीं है काम में। बट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फॉर 100 and something rupees, literally nothing। See, मीशो का मैं बस इतना ही बोल सकती हूँ कि अगर आप क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी प्रेफर करते हैं कि आपको डेली अलग अलग कपड़े पहनने हैं या फिर आपका वेट लूज वेट गेन बहुत जल्दी हो जाता है तो फिर आप कपड़े मतलब जनरली खरीदते रहते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन वेयर। आई विल गिव इट अ 9 on 10। एक मार्क्स इसलिए काटा क्योंकि थोड़ा बहुत थ्रेड वर्क यहाँ से वहाँ निकला है, बट अदर दैन दैट वेरी कम्फर्टेबल पीस टू वेयर इन समर्स। That's it guys, thank you for watching, bye bye।